लगा करके भगवान की पूजा करती है। ये आदमी 3 साल शादी के हो गए, मिनिमलिस्टिक इंसान और इतना सारा सामान। लोगों को लग रहा होगा कि ये देखो कितना काम है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हमारा वीकेंड रूटीन, नॉट रूटीन एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ वीकेंड ब्लॉग आप बोल सकते हो कि हम लोग वीकेंड पे क्या करते हैं। बेसिकली यूजुअली हमारे जो वीकेंड्स होते हैं वो बहुत पैक होते हैं, मतलब हमारा पूरा टू डू लिस्ट होती है कि हमको आज सैटरडे क्या क्या करना है, हमको संडे क्या क्या करना है। तो मेजरली हम जितने भी जो मेजर वर्क्स होते हैं वो हम सैटरडे के लिए रखते हैं और हल्के फुल्के हम संडे के लिए रखते हैं। एंड वी और हम पता नहीं हमारे पास बहुत हम दो लोग रहते हैं बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आप मुझे बताओ आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? मैं लिटरली दूसरे कपल्स को देखती हूँ, आई वाज वंडरिंग कि यार ये कैसे पार्टी कर लेते हैं सैटरडे नाइट को, कैसे ये कर लेते हैं कैसे वो कर लेते हैं। मंथ में एक बार हम लोग ऐसा करते हैं पार्टी टाइप का, पार्टी क्या मतलब थोड़ा चिल विल करते हैं तो एक सैटरडे ऐसा रखते हैं, बट हमारे मैक्सिमम जो सैटरडे संडेज होते हैं वो बहुत वर्कहोलिक होते हैं। मतलब मैं अभी ऐसी सिचुएशन में आ गई कि मैं चाहती हूँ 11-12 बजे तक सोना, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप घर पे रह रहे होते हो भी इतनी हम दो लोग रहते हैं, बट देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह से बेल बजने लगती है, कभी कुरियर वाला आने लगता है बिकॉज आई डू दिस यूट्यूब वाला थिंग, तो मेरे पास काफी सारे पीआर पैकेजेस आते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए समटाइम्स है ना मेरे को, मैं इसलिए जब भी मुझे बहुत फ्री होकर के सोना होता है ना, मैं उसके लिए सिर्फ भोपाल और मेरे घर को प्रेफर करती हूँ। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं चैन से बिना किसी टेंशन के सुकून से सोती हूँ, क्योंकि अभी हम जब सो करके उठे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं पूरा सैटरडे को। सो या लेट अस गेट स्टार्टेड। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, एक आध दो लोगों ने पूछा कि आपकी बेडशीट्स की लिंक्स दिया करो आप। तो बेसिकली ये जो बेडशीट्स हैं ये सब मैं भोपाल से लेकर के आती हूँ। हम जब भी नेक्स्ट टाइम भोपाल जाने वाले हैं हमारे चेकलिस्ट में है बेडशीट्स भी है कि बेडशीट्स खरीदना है हमको 2-3। तो पर्टिकुलरली मेरी एक शॉप है जिससे मैं बेडशीट परचेस करती हूँ। अगर मैं इस बार गई तो मैं शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं किससे बेडशीट परचेस करती हूँ। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मुझे जैसा प्रिंट्स ही होता है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स वैसे उसके पास मिलता है, सो दैट्स व्हाई मैं उससे परचेस करती हूँ। सो यस टोनर बाय मामा अर्थ। एंड ये जो टोनर है दिस इज विटामिन सी फेस टोनर और मुझे 10-11 दिन पहले ये रिसीव हुआ था, मैं तब से इसको सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर रही हूँ। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन एंड आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन, तो मेरे ऊपर टोनर्स बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई टोनर मेरे ऊपर सूट हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट इज टोनर्स जनरली एल्कोहल कंटेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि ये एल्कोहल फ्री टोनर है तो मेरे स्किन पे ना तो मुझे बर्निंग सेंसेशन हुआ ना ही मुझे रैशेज का प्रॉब्लम हुआ। 10 दिन से मेरा स्किन ऑलमोस्ट वर्किंग प्रिटी फाइन। आइए देखते हैं कि ये टोनर के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट है और ये वर्क क्या करता है। इस तरह से इसकी पैकेजिंग दिखती है एंड काफी स्टर्डी पैकेजिंग में आया है ये वाला टोनर एंड आई रियली लाइक सिंपल स्वीट बॉटल है इसकी। तो बेसिकली ये विटामिन सी फेस टोनर है तो ऑब्वियसली इसमें विटामिन सी एंड क्यूकम्बर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। विटामिन सी आपके स्किन के जो लार्ज पोर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश करता है क्योंकि इसके अंदर क्यूकम्बर है। एज वी ऑल नो क्यूकम्बर
इसके अंदर काफी अच्छी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और उसका वाटर कॉन्टेंट काफी हाई होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा एंड आपके जो पोर्स है उसको टाइटन अप रखेगा एंड आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को ठीक रखता है। इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस ऑफ द स्किन। इसके अंदर विच हेजल है जो कि एक एक्सीलेंट टोनर है एंड ये टाइटन अप करता है एनलार्ज एंड ओपन पोर्स को। तो ये टोनर बेसिकली करता क्या है, आपकी जो पोर्स है उनको क्लींस करता है, आपके पोर्स को टाइटन अप रखता है, स्किन के पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है एंड स्किन को प्योरीफाई करता है। क्योंकि ये मामाअर्थ का प्रोडक्ट है, एज वी ऑल नो दैट मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड एज क्रुएल्टी फ्री बाय पेटा एंड साथ ही साथ मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे केमिकल से फ्री होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं। वाला जो टोनर है ये अल्कोहल फ्री है। तो दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आपको सिर्फ करना कुछ नहीं होता है, तो आपको लेना होता है थोड़ा सा लाइक दिस। तो टोनर लगाने के बाद, जैसे टोनर लगाने के पहले आपका स्किन थोड़ा ना फेस वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई ड्राई लगता है, तो टोनर लगाने के बाद ऑलरेडी मेरा स्किन काफी अच्छा लग रहा है, ग्लोई सा लग रहा है। एंड आफ्टर दैट आपको जो आपका नॉर्मल रिजीमे होता है लाइक फेस सीरम होता है, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का स्किन एलिमिनेट फेस सीरम। इसके ऊपर मैं पूरा इन डेप्थ वीडियो बना चुकी हूँ कि ये क्या वर्क करता है, कैसे काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर विटामिन सी है, तो ये दोनों मिलकर के और भी अच्छा आपकी स्किन पे वर्क करेंगे। ये लगाने के बाद अब आप अपना नॉर्मल यू नो स्किन रेजिमे लाइक आप चाहें तो अपना मेकअप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अब कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सनस्क्रीन और लगाइए एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेज़न, नायका और मामाअर्थ की वेबसाइट पे। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको mamaearth.in पर डिस्काउंट मिलेगा। एंड अभी इसके बाद जो भी हम नॉर्मल रूटीन करते हैं वो आपको रूटीन करना है। ये तैयार हो गई हैं, अभी देखो ये क्या करने वाली हैं। जा चल देखो, ये लिपस्टिक लगा करके भगवान की पूजा करती है। भगवान को भी अभी ऐसे गंदे संदे भगवान के सामने आए क्या, नहाए लिपस्टिक नहीं लगाई, लिप बाम है, दिस इज लिप बाम। ये आदमी 3 साल शादी के हो गए, अभी तक इसको लिप बाम, लिपस्टिक, कलर लिप बाम, इन सबके बारे में डिफरेंस पता नहीं चला है। आज हम लोग जाने वाले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, हर सैटरडे ऐसा नहीं करते, हमारे हर वीकेंड के रूटीन एकदम अलग होते हैं। तो आज का जो रूटीन था वो ये था, अभी हमको ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है एंड वहीं से फिर हम मंदिर जाएंगे और वहीं से एक दो काम है उसी रूट के, तो वो करने के लिए जाना है और उसके बाद फिर मैं आकर के आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डी मार्ट। एक्चुअली हमको डी मार्ट से ही पर्टिकुलरली कुछ एक दो चीज़ें लेनी है एंड हम लोग हमारे घर के बिल्कुल पीछे वाले डी मार्ट नहीं जाते हैं बिकॉज वहाँ कार पार्किंग की जगह नहीं होती है और फिर ऑटो से जाते हैं तो ऑटो इतने पास आने के लिए रेडी नहीं होता है और सामान बहुत सारा हो जाता है क्योंकि हमको आटा वाटा ये सब चीज़ें लेना है। तो आज का रूटीन ये है कि अभी पहले हम जाएंगे डी मार्ट, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट में सिर्फ हमने दो दो ब्रेड्स खाई है, दैट्स इट, क्योंकि और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी थे नहीं। तो आज लेने हैं सारी चीज़ें एंड आज हमारा यही सब रहता है, ग्रॉसरी और सब्जियां आती हैं और ये आता है और वो आता है, यही सब में सैटरडे निकलता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम लोगों का जो ग्रोसरी है वो पूरा आ चुका है। ये मिनिमलिस्टिक इंसान और इतना सारा सामान। आज मैंने मिनिमलिज्म की टी शर्ट पहनी हुई है और आज ही हम लोगों ने बहुत सारा एक्चुअली बहुत टाइम से हमने इतना सामान नहीं लिया था। इतना सामान हम लोग पहले लेते थे जब हमारी शादी हुई थी, उसके 1 साल तक हम लोग ऐसे ही भर भर के सामान लेते थे कि सब घर सेटअप हो रहा था, कभी कुछ ले रहे हैं कभी कुछ ले रहे हैं, अभी सब कुछ ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। बट अभी हमने इसलिए लिया है बिकॉज हम लोग लॉट में लेते हैं सामान, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने किसी वीडियो में बोला था कि आजकल हम लोग बल्क में लेने लग गए हैं, 2-3 महीने का हम एक साथ ले लेते हैं। तो ये आज इस बार वो वाला टाइम था कि हमने 2 मंथ्स का एक साथ सब कुछ ले लिया है ताकि बार 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 आना ना पड़े। सो यस, ये है हस्बैंड ऑन ड्यूटी। Yeah.
ब्लैक एरोमेटिक ब्लैक राइस है। पहली चीज़ राइस ब्लैक होता है, मेरे को पहली बार मालूम पड़ा। ऊपर से इसको कुकर में जैसे पकाते वैसे ही पकाओ, लेकिन फिर मिल्क डालो ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। बैक और हम काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी मुझे फटाफट से सब्जी बनाना है, खाना नहीं खाया है और हमको बहुत जम के भूख लग रही है। तो और अभी तक मेरी मेड नहीं आई है, हमारे यहाँ आंटी भी नहीं आई हैं जो ये करती हैं क्लीनिंग और मॉपिंग करती हैं, बर्तन भी वही करती हैं। तो उनको मैंने बोला था कि लेट आना, बट अभी तक वो आई नहीं है। तो अब मैं फटाफट से सब्जी बनाने वाली हूँ। एंड आज हमारा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, आज वैसे विक्की की ड्यूटी रहती है सैटरडे को, बट आज मैंने विक्की को थोड़ा यू नो छुट्टी वुट्टी दे दिया बिकॉज वो बहुत वर्क प्रेशर था उसको और वो काफ़ी लेट आना जाना कर रहा है। तो इसलिए आज मैं ही बना रही हूँ और बहुत नॉर्मल सी बेसिक सब्जी बना रही हूँ, कोई ऐसा नहीं स्पेशल नहीं बन रहा है आज। I just had lunch right now और बहुत लेट हो गया, हम लोगों को 3 बज रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गए और फिर आने के बाद काफ़ी लेट हो गया। हमने पूरा ऑर्गेनाइज भी किया, हमारा जो पेंट्री सेक्शन है वो जो हमारी कबर्ड है पेंट्री वाली वो, देन उसके बाद लंच बनाया, फिर लंच खाया। हालांकि एक ही सब्जी बनाई है और कुछ नहीं बनाया है, बट अभी एक्चुअली आज भी मेरा एक वर्कशॉप था 4:30 बजे का, बट उसमें मैंने एडवांस पेमेंट नहीं दिया है। तो लेट्स सी, अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है और मुझे बहुत सोने का मन कर रहा है। मैं सो के उठी हूँ बिकॉज वो भी इसलिए उठी हूँ बिकॉज ये आया है पैकेजिंग। ऐसे ही होता है जब भी मैं सोचती हूँ कि आज मैं बहुत सोऊंगी, उसी दिन या तो कोई आ जाता है मेरे घर में, या मेरा पीआर पैकेज आ जाता है, या मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 7:00 शाम के और अभी क्या हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं जो कि विकी कर रहा है। और ये हमारा पूरा जो आंटी है, क्योंकि ये भी भरा हुआ है, इसमें भी सारे बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ भी सब बर्तन रखे हुए हैं। So I have to organize this. लोगों को लग रहा होगा कि ये देखो कितना काम कर रही है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वो काम कर रही है जो ये कर रही है, मैं जो कर रहा हूँ वो तो दिखता ही नहीं है। अरे तो विक्की कपड़े धो, विक्की का काम कैसा है, मशीन में पानी भर दिया, बस घूम रहे, enjoy, look, life is fun, और मैं ऐसे बर्तन जमा रही हूँ, cleaning, cleaning, ये सब मेरा टास्क होता है। नेचर्स बास्केट, अभी तक हमने कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग नेचर्स बास्केट से कभी नहीं किया था। एंड मतलब मेरा मन था काफी करने का, देखने का, विक्की तो कभी नहीं गया था, बट मैं तो भी एक दो बार जाके राउंड लगा चुकी हूँ नेचर्स बास्केट का। मुझे इन शॉर्ट में रिव्यू, मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि देयर इज ओनली अ वन पर्टिकुलर सेक्शन जो कि ऑर्गेनिक फूड के लिए डेडिकेटेड था, उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, जो बाकी बिग बाजार हो गया, मोर हो गया, डी मार्ट हो गया, इनमें अवेलेबल है, वो सब भी वहाँ पर सामान मिलता है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक रही, बट वेजिटेबल्स की, तो मुझे वेजिटेबल्स की क्वालिटी वहाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। आप एक तरफ से आप ऑर्गेनिक ब्रांड कह रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना पूरी पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ फिर ऑर्गेनिक ही रखना चाहिए। वहाँ पर वेजिटेबल्स की पैकिंग पूरा प्लास्टिक में पैक्ड रहना एंड ऑल दैट, तो मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर कि आप लोकल वेंडर से जो नॉर्मल अपने थैले में लेकर के आ जाओ, वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है एज कम्पेयर टू जैसे मैंने वहाँ से ना ये लिए हैं। इसमें लिखा हुआ है फार्म फ्रेश एवरी डे गुजरात वेजिटेबल, पता नहीं ये 250 रुपीज़ के मिले हैं, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कल मुझे याद है मैं सब्जी लेकर के आई थी परसों के दिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और मैं 250 रुपीज़ में सारा कुछ लेकर के आई हूँ, एंड ये सिर्फ अकेला 250 रुपीज़ का है, और ऊपर से ये प्लास्टिक में पैक्ड है। अब जैसे हम ये चीज़ें लेकर के आए हैं, जो सीरियल्स होते हैं वो लेकर आए नेचर्स के, तो इसकी जो पैकेजिंग है इसमें पीछे रिसाइकल का वो सब बना हुआ है, तो दिस इज़ गुड, ये सब मुझे ठीक लगा। ये हो गया, इसके पीछे भी आई गेस हाँ रिसाइकल का वो बना हुआ है, तो ये सब मुझे ठीक लगा। बाकी वेजिटेबल्स के लिए मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। और मैं क्या लेकर के आई हूँ इस बार, हिमालयन पिंक सॉल्ट लेकर के आई हूँ।
कुछ भी बोलो बट चीजें बहुत एक्सपेंसिव थी. मतलब जो हमारा, हम लोगों ने ज्यादा सामान नहीं लिया है, हमारा 2500 कुछ का बिल बना था. हार्डली हम लोगों ने 10 या 12 चीजें ली हैं और काफी एक्सपेंसिव है. उसके बाद फिर मैं ये वाला सीसी का रॉक सॉल्ट लेकर के आई हूँ, पिंक रॉक सॉल्ट, देन कोरिएंडर पाउडर, ऐसे नॉर्मल सी चीजें लेकर के आए हैं. कुछ बहुत ऐसा नहीं लेकर के आए, बट काफी एक्सपेंसिव है. बट हाँ, कुछ चीजें काफी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें मुझे ठीक लगा है, बट वेजिटेबल्स वगैरह तो वैसे ही था. उसके बाद हम एक और चीज लेकर के आए, हम लोगों ने ये प्रिंकल्स देखा वहां पर, तो एक का प्राइस था 99 रुपीज और इसका प्राइस था 269 रुपीज. तो इसमें और इसमें आपको दिख रहा है कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है? मतलब इतना डिफरेंस नहीं है. अगर ये 100 का है तो ये ज्यादा से ज्यादा 150 या 180 कुछ का होना चाहिए था. हमने उन लोगों से पूछा कि इसमें है क्यों है, तो उसने हमको बताया दिस इज इंडियन, मतलब ये डुप्लीकेट है और ये वाला ओरिजिनल है, मतलब ये इम्पोर्टेड है. तो ये हम लोग इसको इसलिए लेकर के आए टेस्ट करने के लिए कि वी विल टेस्ट इट कि ऐसा क्या इसमें अलग है. वी आर गोइंग टू वॉच शुभ मंगल, सावधान जा रहे हैं. 11 बज गए, हम लोग काफी लेट हम लोगों ने शो किया है, बट ठीक है कल संडे है तो इसलिए. तो हाय गाइस, सो वी आर बैक और अभी बज रहा है 2:15 हो रहा है, तो अब हम फटाक से सोते हैं बिकॉज कल सुबह भी जल्दी उठना है. कल विक्की मैराथन दौड़ने के लिए जाने वाला है तो जल्दी उठना पड़ेगा. लेट्स सी, मैं जाती हूँ फिर जाती हूँ. वैसे मुझे रनिंग में इतना इंटरेस्ट है नहीं और ना ही मैं करती हूँ, तो या लेट्स सी. और गुड नाइट फॉर नाउ.